हेलो फ्रेंड्स, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे और ये सब बच्चे हमेशा जिद करते होंगे कि चॉकलेट खाना है। आपको चॉकलेट खाना है? हाँ। तो आज मैं आपको एक ऐसा रेसिपी दिखाऊंगा जो आप घर में एनर्जी बार बना सकते हैं, बिल्कुल चॉकलेट की तरह होगा और उसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं होगा। ये वीडियो को अच्छा से देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। शायद ये मेरे व्लॉगिंग में सबसे महत्वपूर्ण व्लॉग होगा क्योंकि मैं ऐसा चीज बनाने जा रहा हूँ, डिश बनाने जा रहा हूँ जो छोटे बच्चे आराम से खा सकते हैं और आप उसको खिला सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और हर इंग्रेडिएंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। चॉकलेट खाएगी, वीडियो को पूरा देखना, मैं चॉकलेट अभी बनाऊंगा आपके लिए, एनर्जी बार बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मूंगफली है, मूंगफली का दाना हम लोग निकाल लेंगे। ये हम लोगों का बेस इंग्रेडिएंट होगा, नंबर वन इंग्रेडिएंट आपका मूंगफली है और इसको आप ऐसे करके निकाल लेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस मैं बताऊंगा, नोट करके रखिएगा और अच्छी तरीके से ये बार बार आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि कैसे ये बन रहा है और चॉकलेट बहुत अच्छा होगा। मैडम जी बना रही है, बढ़िया से करो। काम देता हूँ, ये देखिए, ये बादाम है जो हम लोग घर में उगाते हैं, ये बादाम है और जो मार्केट में ऐसे कुछ मिलता है आपको 10 रुपये का, आप ले लीजिएगा। और कुछ काजू आप रखिएगा, अगर आपके पास काला तिल है तो काला तिल भी रख सकते हैं, और थोड़ा सा गुड़, यही इंग्रेडिएंट होगा। इसी इंग्रेडिएंट से हम लोग चॉकलेट बनाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको कढ़ाई, जो भी कढ़ाई आपके पास है उसको हीट देके इसको गर्म कर देना है, ताकि सबसे पहले हम लोग ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसको यहाँ रोस्ट करेंगे, तो थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये जो काला तिल है इसको मैं रोस्ट कर देता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट बैच में। इसको आपको पूरा नहीं पकाना है, हल्के से पकाना है, ठीक है। ये जो खाने में जो चॉकलेट जो बनेगा बच्चों का, इसमें एक फ्लेवरिंग का काम करेगा ये, ठीक है। बस आपको गर्म करना है, फ्लेवरिंग का काम करेगा। अब इसको रोस्टिंग करेंगे। इसको आपको रोस्ट करते रहना है। इसका फ्लेवर जो होगा ना, बहुत रिची फ्लेवर आएगा आपको, क्योंकि इतना सारा चॉकलेट बन जाएगा। इसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं, बस इसमें अगर ऐड होगा तो वो गुड़। इसको रोस्ट कर लिए और आप क्या करना है, गुड़ का, हमें गुड़ को यहाँ देना है। आपको दिखाता हूँ जो इसका मेन बनेगा इंग्रेडिएंट। पहले क्या करना है आपको, देखिए बादाम सब जो है ना, ये देखिए, ये इसको हम लोग लोहा बोलते हैं, इसको क्रश कर लेना है, क्रश हल्का हल्का। आपको ग्राइंड नहीं करना है, ठीक है, ग्राइंडर में नहीं करना है, इसको ऐसे ही आपको क्रश कर लेना है, तुरंत क्रश हो जाती है। देखिए स्पेशली जो काजू सब है ना उसको कीजिएगा, क्योंकि काजू बहुत बड़ा होता है खाने में, छोटा वगैरह होगा ना तो खाने में अच्छा लगेगा। आपको पूरा क्रश कर लेना है, देखिए मैं कर रहा हूँ, इसमें हल्का सा टाइम लगता है, 5 मिनट जैसे लग जाता है आपका। ये देखिए लगभग क्रश हो गया है। तो ये मैंने गुड़ यहाँ दे दिया है, तो गुड़ की चाशनी आपको बनानी है, मैं दिखाता हूँ, आप शायद देख पा रहे। हाँ देखिए, ये गुड़ की चाशनी है, ये चाशनी बन रही है। तो जितना आपका अमाउंट है उस तरह का, लगभग 60 ग्राम्स आप लीजिएगा, बन जाएगा ये। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड, यहाँ चाशनी रेडी है और ये जो हम लोगों का बादाम था और ये काला तिल, इसको यहाँ मिक्स कर देना है। और क्या करना है आपको, ये जो चाशनी है इसको यहाँ डाल के अच्छे से मिला देना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया, बस आपको क्या करना है, अब इसे चम्मच से आपको ये पूरा एकदम ऐसे मिला देना है, पूरा अच्छी तरह से जितना जल्दी हो सके आप मिला सकते हैं इसको, जो स्टिकी फ्लेवर आएगा इसका। देखिए मैं ऐसे मिला रहा हूँ एक्चुअली, और ऐसे करके आपको पूरा मिला देना है। ये मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे भी कोई पेन अगर आपके पास है, क्योंकि इसमें हम लोग चॉकलेट को सेट करेंगे फिर पीस पीस करके काटेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा आप लोग, इससे हम लोग देसी घी है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ऐसे करके आपको हल्का सा लेमिनेट कर लेना है बस। तो देखिए घी को ऐसे लगा के बस आपको लेमिनेट कर लेना है ताकि वो चिपके नहीं, और फ्रीजर में आप उसको रख सकते हैं इसके बाद। ये देखिए लेमिनेट कर दिए, आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेमिनेट करने में, मैं बोलूँगा कि आप हाथ नहीं इस्तेमाल कीजिएगा इसमें, कोशिश कीजिएगा कि आप ब्रश से करें कोई, या तो चम्मच लेके ऐसे करके। अब इसको आपको यहाँ डाल के सेट कर देना है, आप हाथ में हल्का सा पानी ले लीजिएगा ऐसे करके, और इस तरह के आपको सेटिंग करना है। देखिए ऐसे आप उसको जितना बढ़िया से सेट कर सकते हैं, और आपको डीप फ्रीज़र में या तो फ्रिज में आप इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें, इसको पीस पीस करके आप अभी रख सकते हैं। आपको देखिए चाकू ऐसे भिगा लेना है, और अभी जब तक ये गर्म रहता है आपको इसको पीस पीस कर लेना है, तो मैं पिज़्ज़ा साइज़ पीस करूँगा अभी, ये देखिए पिज़्ज़ा साइज़ तो नहीं, ऐसे करता हूँ जो बार चॉकलेट रहते हैं ना स्क्वायर स्क्वायर निकालूंगा ऐसे करके, देखिए ये चिपक जाता है, तो इसको हमेशा पानी में ऐसे भिगा के। बहुत ध्यान से करना है, ऐसे करके। तो ये मैंने पूरा काट लिया है स्क्वायर स्क्वायर में, अब इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना होगा। तो मैं इसको फ्रिज में रख सकता हूँ, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं 2 घंटे के लिए, आपका ये एनर्जी बार और चॉकलेट हेल्दी वाला चॉकलेट आपका बनके तैयार हो जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप मुझे शेयर कीजिएगा। फ्रिज में रखने के बाद कुछ इस तरह से निकल जाएगा, और देखिए आप इस तरह से पीसेस में निकाल सकते हैं, ये कैसा लगा आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स करिएगा। इस तरह से आप चॉकलेट बना सकते हैं घर पे, एनर्जी बार बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, आप सबका सपोर्ट और प्यार मुझे चाहिए होगा, और थोड़ा सा प्यार कीजिए ताकि वॉच टाइम मेरा पूरा हो जाए। जय हिंद जय भारत।